देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। खबर वाराणसी से है। भदैनी मिरर पोखरे में स्नान करने गई दो सगी बहनों की डूबने से मौत हो गई। साथ गई तीसरी बहन दौड़कर घर पहुंची और घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही परिजन दौड़कर पहुंचे। सूचना पर चितईपुर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। जानकारी के अनुसार विश्वकर्मा नगर एक्सटेंशन के रहने वाले संतोष उपाध्याय टोटो चालक हैं। उनकी तीन पुत्रियां तीनों अपनी बड़ी मां से पड़ोस में जाने की बात कहकर नारायणी विहार कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर पोखरे पर स्नान करने पहुंच गए। स्नान के दौरान लाडो और लवली डूबने लगी, जिसे देखकर लाली घर भागी और अपनी बड़ी मां को घटना की जानकारी दी। जिसके बाद बच्चियों के बड़े पिता अनिल कुमार उपाध्याय को फोन से सूचना दी गई। परिजनों ने बताया कि ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चियों के शव को पोखरे से निकाला और सूचना पर पहुंची चितईपुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। घटना के बाद घर में कोहराम मच गया और घर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दीजिए। श्याम भूषण शर्मा, पार्षद करौदी। क्या घटना घटित हुई है? घटना तीन सगी बहनें थी, यहाँ तालाब है नारायणी विहार में, पुराना तालाब है, चितईपुर ग्राम सभा का तालाब है वो, ग्राम पंचायत का। उसमें नहाने के लिए आई हैं और कौतूहल बस नहा रही होंगी डूब के। दो बहनें तो मौके पर मर गई हैं, एक बच गई है, वो सुरक्षित है। कितने बजे की घटना है और क्या उम्र रही है? लगभग 12 बजे घटना है। बच्चियाँ छोटी हैं, अभी छोटी बच्ची हमें लगता है कि 13 साल की रही और एक ग्यारह और 13 साल की बहनें थी, दोनों सगी बहनें। प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? प्रशासन तभी तो हम सभी लोग गांववासी और हम सभी जनसेवक लोग जुटे हुए हैं। काफ़ी दुखद घटना हुई है। प्रशासन से अभी थानाध्यक्ष महोदय और थाने की पूरी टीम थी, माननीय विधायक सुनील पटेल से हम लोगों ने बात किया कि पंचनामा करके छोड़ दिया जाए। अभी तो जिद कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम होगा, लेकिन हम सभी चाह रहे हैं कि निहायत गरीब लोग हैं तो उनके साथ आगे और परेशानी न हो, शिवपुर ले जाके पोस्टमार्टम कराइए, कराइए। देखिए अब जैसी स्थिति बनती है, जो भी कानून विधि सम्मत होगा हम सभी सहमत हैं। सभासद जी, ये सब जो ऐसी घटनाएं होती हैं तालाब में डूबने पे, तो एडीएम सिटी को यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन कोई भी उच्चाधिकारी यहाँ पर नहीं आया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हमें ये लगता है कि हम लोग चुनाव में हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होना है, सभी लोग प्रोटोकॉल ड्यूटी में लगे हैं, वार्ता सभी से हो रही है, सभी लोग पॉजिटिव रिस्पांस दिए हैं, जो भी सरकार से सहायता मिल पाएगी अवश्य उनको दिला जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि वाराणसी जो है मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, अगर यहाँ कोई दुर्घटना या कोई मरते हैं तो एडीएम सिटी को तो यहाँ आना चाहिए। हम सभी मोदी जी और एडीएम सिटी के तौर पे यहाँ खड़े हैं आपके साथ, जब जैसी स्थिति बनेगी हम तैयार हैं अपनी जनता के साथ। सुरेश पटेल, गुड्डू पार्षद, सुसवाई वार्ड 39 नंबर। गुड्डू जी, क्या घटना घटित हुई आज? घटना जो कि हमारे वार्ड के अनिल जी हैं, अनिल भी हमारे साथ हैं, उनके छोटे भाई संतोष जी की बिटिया लाडो और एक उससे बड़ी बहन, दो लोग, एक 6 साल की और 13 साल की बच्चियां घर से अपनी बड़ी माँ, चूँकि उनकी माँ नहीं है, कुछ दिन पहले गुजर चुकी हैं, तो अपनी बड़ी माँ से कह के आई कि मैं पड़ोस से आ रही हूँ, पड़ोस के घर से, और वो सब चली आई चितईपुर तालाब जो पोंगलपुर में है, वो तालाब पर चली आई और वहाँ नहाने, कैसे वो अंदर गई नहाने के दौरान और दोनों डूब गई, और मालूम चला जैसे कि लोगों के माध्यम से, तो हम लोग मौके पर पहुँचे, उसके बाद अभी चितईपुर थाने पर आया गया है। ये घटना है, ये लगभग हमें लगता है 1.5 से 2 बजे की घटना है। प्रशासन द्वारा क्या मांग है आपकी? हम लोगों को प्रशासन द्वारा ये मांग है कि मैं एसडीएम सदर को बार बार फ़ोन कर रहा हूँ, मैं पार्षद हूँ, मेरे वार्ड की ये घटना है, लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है, उन कई बार करने पर फोन नहीं उठ रहा है। फिर मैंने माननीय विधायक रोहनिया सुनील पटेल को फ़ोन किया है, उनके माध्यम को एसडीएम साहब, उन्होंने अपने माध्यम से एसडीएम साहब को बताया और वहाँ से अभी जो है नायब तहसीलदार का फ़ोन आया था, लेकिन कम से कम बड़ी घटनाओं पे लोगों को आना चाहिए और फ़ोन रिसीव करना चाहिए। जब जन प्रतिनिधियों का फ़ोन नहीं उठा रहे तो आम लोगों कैसे फ़ोन उठाएंगे? और ये चूँकि परिवार, अनिल जी मेरे साथ है, लड़कियों के बड़े पिताजी, और बहुत निहायत गरीब है, मेरे वार्ड के, मैं जानता हूँ कि बहुत नहीं, और उनको सुविधाएँ मिलनी चाहिए, इनको कुछ सुविधा जरूर मतलब सरकार द्वारा मिलनी चाहिए। तालाब चारों तरफ से खुला है, आए दिन घटना होती रहती है, क्या कहेंगे? मैं इसमें यही कहूँगा कि यहाँ के जो पार्षद जी, करौदी वार्ड के जो पार्षद जी हैं वो भी साथ में हैं, मैंने उनसे बात किया, उन जैसा कि उन्होंने बताया, और मैंने नगर आयुक्त और चीफ इंजीनियर से बात किया है कि अमृत योजना में वो तालाब है, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि चूँकि अमृत योजना की लिस्ट में अगर तालाब है तो उस पर काम लगाया जाए कि आगे से कोई ऐसी घटना फिर न घटे, उसे जल्द से जल्द उसको बनाया जाए। तालाब और पोखरे पे करोड़ों अरबों रुपये खर्चा हो रहा है सरकार की तरफ से, ऐसी घटनाएं हो रही है जो कि बच्चियां 9 साल 11 साल की
मर जा रही हैं, उसके बाद भी एडीएम सिटी नहीं आ रहा है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि भाई हमारी प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, हम लोग उनके सिपाही हैं और इस तरीके की घटनाएं घट गई हैं तो उनको आना चाहिए, अधिकारियों को तत्काल यहाँ पर आना चाहिए और परिवार को उचित मुआवजा देना चाहिए। मैं फिर मांग करूँगा जिलाधिकारी के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से कि इस तरीके का जहाँ भी घटना वो लोग आएँ और परिवार को, चूँकि गरीब परिवार, इनको पूरी मुआवजा दिलवाया जाए। वर्तमान में आपकी सरकार है, आपके सरकार की तरफ से परिवार को क्या मदद मिलेगा? मैं इस बात को रखूँगा अपने जो भी है प्रभारी जी लोग हैं, जो भी हैं, मैं अनिल भैया हैं उनके बड़े पिताजी, बच्चियों के बड़े पिताजी हैं, इस बात को माननीय विधायक जी के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय रखा जाएगा, जितना संभव होगा परिवार की मदद की जाएगी, हम सब लोग मिलकर मदद करेंगे।